हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं रात के टाइम एक अनजानी सी लोकेशन से आप लोगों के लिए व्लॉग शूट कर रहा हूँ, क्योंकि हम बहुत दिन हो गए हैं जब हमने व्लॉग नहीं बनाया है और मुझे लगता है 7 बजने को हैं। मैं कहाँ आया हूँ सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, और इसके साथ जो एसोसिएटेड हमारी मेमोरीज़ हैं, इतनी सारी यादें हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मैं आया हुआ हूँ, मेरी मम्मी ने जो इतने सारे ख्वाब देखे थे, बच्चा तरक्की करे, बच्चा अच्छा करे जीवन में, उन ख्वाबों में से एक ख्वाब जो कि हमारा घर था, अभी भी है। ग्रेटर नोएडा के ओमिक्रॉन सेक्टर में मम्मी जब यहाँ आती थी तो वहाँ इतनी खुश होती थी देख के, मेरे सर पे हाथ रखती थी, बोलती थी हमेशा बड़ नीक वालेला, बड़ नीक भेलो बुआ। लेकिन कभी मम्मी यहाँ आना नहीं चाहती थी। मम्मी का ये था कि आओ यहाँ पे घूमो रहो 2-4 घंटे और निकल लो यहाँ से। कभी रही नहीं मम्मी यहाँ पे ना, मैं रहने के लिए नहीं आना चाहती थी, इसीलिए तो हमने वहाँ पे वो फ्लैट लिया था कि मम्मी जब रहोगे नहीं तो हमारा घर जहाँ हम रहते थे वो घर छोटा पड़ता था, ऊपर नीचे का था थोड़ा। इसको भी बड़ी दिक्कतें होती थी भाई, इसने भी बहुत साथ दिया है मेरा ज़िंदगी में, इतना ऊपर नीचे करना। ऐसा घर था हमारा, मैं आपको दिखाऊंगा किसी दिन वहाँ का व्लॉग बना के, तो आपको पता चलेगा कि सच में आप इतने छोटे घर में और कैसे रहे। लेकिन जो शुरुआत होती है ना जहाँ से भी, वो छोटा घर भी बहुत अच्छा लगता है। मैं आपको बताऊँ, जब हम निकल रहे थे ना उस घर से, मैं दीवारों को छू छू के रो रहा था, मैं वैसे ही थोड़ा इमोशनल हूँ। और फिर लेकिन मम्मी मेरे को बड़ा सांत्वना देती थी कि नहीं, मम्मी को भी 2 महीने ना शालीमार गार्डन वाले घर में अच्छा नहीं लगा था बिल्कुल भी, कि कहाँ आ गए, सबसे दूर आ गए, जबकि वहाँ से 1.25 किलोमीटर है। मतलब अगर आप नापो तो 1.25 किलोमीटर, अदरवाइज तो बगल में ही है कॉलोनी जहाँ से हम आए थे, तो अच्छा नहीं लगता था। लेकिन उसके बाद मम्मी को इतना रम गया ना वहाँ पे, इतना अच्छा लगने लगा था मम्मी को अपने कमरे में। हमेशा 2 खिड़कियाँ थी मम्मी के कमरे में, बालकनी थी, बालकनी तीनों रूम से ही जाते हैं, एल शेप की बालकनी आपको पता ही है, तो अच्छा लगता था मम्मी को बहुत उस घर में रहने में, है ना। हमेशा आशीर्वाद देना कि बच्चों ने मेरे ये ले लिया, मेरे बच्चे ने मेरा कहना मान लिया। मम्मी का यही था कि मैं, मेरा ये रहता था कि मैंने यहाँ ले लिया मम्मी, मैं ना किसी और कर्जे में नहीं पढ़ना चाहता लोन वोन के चक्कर में, आप लोग सब मेरे साथ चलो, भाई को वहाँ रहने देते हैं। नहीं, भाई को कभी नहीं छोड़ना है, जब तक मैं जी रही हूँ तब तक तो साथ ही रहना है। मम्मी तो बंधनों में बांध के गई हैं, और मुझे भी कोई रहने में दिक्कत नहीं है। अब तो बहुत बड़ा घर है वो, उसको ही मेंटेन हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। कई बार तो लोगों के 3-3 मंजिले के मकान होते हैं फिर भी एक घर में नहीं रह पाते लोग, इसलिए क्योंकि दिल नहीं जुड़ते। जहाँ पे दिल जुड़े हुए होते हैं वहाँ पे तो सब कुछ अच्छा हो जाता है, आप कहीं भी रह लेते हो, कुछ भी कर लेते हो। तो यहाँ आया हूँ ग्रेटर नोएडा में, मम्मी का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मम्मी यहाँ चाहती नहीं थी कि इतनी दूर लेना, लेकिन जब ले लिया तो उनको ऐसा लगता था कि कितना अच्छा काम कर लिया मेरे बेटे ने। हम लोग बहुत दिन तक ये सोचते ही रहे, हम लोग ज़रा सा दूर नहीं जा पाए, ज़मीनें नहीं खरीदी कि कौन आके बसेगा, मेरा बेटा इतनी दूर आके बस गया और इतने अच्छे से मकान ले लिया, कर्जे वर्जे में है लेकिन सब कुछ धीरे धीरे सही हो जाएगा। बहुत आशीर्वाद देती थी मम्मी इन सब चीज़ों को लेके। जब आई थी, जब आती थी तो गेट पे खड़े होके सभी लोग फ़ोटो वगैरह खिंचवाते थे, फ़ोटो शूट करते थे, ऐसा लगता था जैसे कि ना एक अलग सा। और बहुत बड़ा मकान है ये, 120 मीटर का है, हमने तो नहीं सोचा था, इतनी औकात नहीं थी भाई लोगों कि हम कभी सोचें कि हाँ इतने बड़े मकान को हम खरीद पाएँ। मम्मी का आशीर्वाद ही था कि इतना बड़ा मकान हम परचेज कर पाए, और लेकिन आ नहीं पाया यहाँ पे, और अब तो शायद आने का कोई चांस भी नहीं है, इसलिए क्योंकि हमारे साथ और जिम्मेदारियाँ हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। मैं यहाँ खड़े होके ना ये व्लॉग बना रहा हूँ, और जाने इसको क्या कहते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहाँ पे खड़े होके बना रहा हूँ। वो देखिए, वो पीछे जो घर दिख रहा है ना, ये लाइट जो जल रही है उसके बगल वाला, ये वाला, ये जहाँ मेरी गाड़ी खड़ी है ना बिल्कुल उसके सामने, ये है हमारा ग्रेटर नोएडा का घर। मैंने उसकी रिकॉर्डिंग की है। दरअसल हुआ क्या है कि 10 महीने पहले
11 महीने पहले हमने एक टेनेंट को दिया था यहाँ पे रेंट पे, लेकिन हुआ क्या कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में थे, उनका लखनऊ ट्रांसफ़र हो गया है, तो ट्रांसफ़र की वजह से वो लोग वहाँ चले गए। और मेरे को पहली बार दुख हो रहा है कोई टेनेंट खाली कर रहा है ना, तो क्योंकि मुझे कभी कोई टेंशन नहीं थी, कम रेंट पे दे रखा था मैंने हालांकि, लेकिन ये रहता था कि साफ़ सफाई, घर एकदम साफ़ सुथरा है बिल्कुल। मैं ना वीडियो डालूंगा उसकी तो देखिएगा, एकदम साफ़ सुथरा है। थोड़ा बहुत काम कराना है, ग्रेटर नोएडा में बारिश बहुत होती थी यहाँ पे, और कुछ भी है तो टेनेंट लोग कितना देखेंगे, बहुत बड़ा मकान है, 150 गज कोई कम नहीं होता, एक एक कोना कोना देखना ना बहुत मुश्किल हो जाता है। हम लोग अपने फ्लैट को ही नहीं देख पाते, इतने इतना छोटा सा फ्लैट है हमारा, जबकि फिर भी 1650 स्क्वायर फीट का, हम उसको भी नहीं देख पाते। तो ये तो भाई मकान है, बड़ा है, ऊपर नीचे छत वत सबको देखना, दो 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 पाइप निकले हुए हैं जहाँ बारिश का पानी जहाँ से निकलता है, वो सब चीज़ें देखना, तो थोड़ा तो है कि हाँ इसको मेंटेन करके रखना पड़ेगा। तो इसी घर के लिए मैं आया हुआ था कीज़ लेने के लिए, और यहाँ मेरे एक मित्र रहते हैं, उनको मैंने चाबियाँ दे दी हैं। बहुत सारे टेनेंट्स हैं, उनका रिस्पांस आ रहा है, आप ग्रुप में डाल देते हो ना जैसे कि, तो बहुत सारे टेनेंट्स का रिस्पांस आ रहा है कि आप हमें दे दो, आप हमें दे दो, लेकिन फिर जब तक आप प्रॉपर वेरिफिकेशन नहीं करते आप नहीं दे सकते हो ना, क्योंकि बहुत सारी रिस्क एसोसिएटेड होते हैं उसके पीछे। तो यही है, इसीलिए मैं यहाँ आया हुआ था। यहाँ इतनी सुंदर ग्रीनरी हो गई है ना, अब जब मैंने यहाँ लिया था तो ये एकदम खंडर लगते थे घर, इनमें कोई नहीं रहता था, और मेरे कुछ रिलेटिव ना मुझे ऐसा बोलते थे कि कहाँ ले लिया तूने, एकदम जंगल में ले लिया है घर, जंगल में ले लिया। आज की डेट में ये देखो कि ये 4 times जो है ये फोल्ड हो चुका है, राइज़ हो चुका है कीमतों में अपने। और इसके अलावा यहाँ की क्वालिटी देखोगे लाइफ की, अभी बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, 7 बजे ही हैं लेकिन सब अपने अपने यहाँ पढ़ने चले गए हैं, एकदम शांति वाला माहौल है, सिर्फ झींगरों की आवाज़ें आ रही हैं मुझे पार्क की, और कुछ भी नहीं। लेकिन हाँ मैंने वो 5 बजे ही चले गए थे मेरे टेनेंट, और मैं 6 वहीं बैठ के घर की दहलीज पे बैठ के, और मैं मम्मी को याद कर रहा था, मैं इमोशनल हो रहा था कि मम्मी क्या से क्या हो गया, हम लोगों ने कितने सपने देखे थे, क्या क्या देखा था, किस तरह की हमारी दुनिया होगी, है ना, बट वो सब चीज़ें नहीं हो पाई। एकदम से मम्मी हमें अचानक छोड़ के चली गई, उनकी चीज़ें क्या बताऊँ मैं, मतलब इतना याद आता है, इतनी तड़प होती है, इतनी हूँक उठती है। अभी भी मेरे वो मित्र आए थे जिनको मैंने चाबी दी, कह रहे थे चलो चाय वाय करो, मेरे को किसी के घर नहीं जाना है अभी, मैं बिल्कुल ही अवॉइड कर रहा हूँ किसी के घर जाने के, घर जाने से मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि भाई मैं जिनका घर खुशी खुशी हो मैं बेकार में जाके रोऊं, या फिर कुछ और ऐसा हो ही जाता है तो वो आए कहते हैं आप क्यों रो रहे हो, क्यों इमोशनल हो रहे हो, क्योंकि मेरी माँ का देखो, मेरी माँ 5 साल बिस्तर पे थी, मैंने अपने पापा को नहीं देखा, सिर्फ अपनी माँ को देखा है। मैं वही कहता हूँ कि दुनिया में कितने दुख हैं, सबके पास एक ना एक दुख भरा हुआ है, लेकिन आपको अपना दुख ही बहुत बड़ा लगता रहता है। सारे रिश्ते दुनिया के कभी कभी झूठे लगते रहते हैं, माँ जैसा कोई नहीं, कोई नहीं लगता माँ जैसा। मेरे को इन चीजों से मैं निकलूं कैसे, व्लॉग नहीं बना पाता, कुछ नहीं करता, ये लोग भी घर में बिजी रहते हैं, इनका भी मन नहीं लगता कि हम क्या टर्टर करने के लिए आ जाएं। किसी के पास कोई उपाय है तो बताओ, मम्मी से बोल लो एक बार, मम्मी मम्मी मैं आपसे बहुत प्यार करता हूँ, कोई बोले एक बार कि मैं ये चीज़ मम्मी को पहुँचा पाऊँ कभी, मम्मी मैं आपको बहुत प्यार करता हूँ, मैं आपको बहुत मिस करता हूँ, मैं जहाँ जाता हूँ मुझे आपकी वही याद आती है, मैं क्या करूँ। लोग बोलेंगे कि ये इसको रोना बहुत आता है, खाली इसकी माँ थोड़ी ना गई, हमारा ये गया, हमारा वो गया, हमारा वो गया है। मुझे पता है सबके दुख में, सबके दुख में रोता हूँ, मुझे सबका जब दुख देखता हूँ ना मैं, मेरे को लगता है कि देखो कितने दुख हैं दुनिया में है। लेकिन मेरे को तो बहुत कम टाइम हुआ है, अभी 2 महीने भी नहीं हुए मम्मी को गए हुए,
मेरे को है यार, मेरे को बहुत तड़प है। कई लोगों में होती है, कई लोगों में नहीं होती है। मुझे बहुत तड़प है। बस ये इस घर में मम्मी को नहीं हम रख पाए ज़्यादा दिनों तक। बहुत प्यारा सा घर है, एकदम शांति में। अभी तो मैंने लाइट वाइट बंद करके, चाबी बंद करके उन्हें दे दी, वो बाइक से थे चले गए। और बाकी जो मैं ना डालूँगा जो वीडियो, आप देखिएगा, बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं यहाँ पे आता हूँ। एकदम ऐसा लगता रहता है कि यहाँ से जाने का मन नहीं करता। कभी कभी मन करता है ना सबको वहीं छोड़ दूँ, खुद ही यहीं शिफ्ट हो जाऊँ, यहाँ शिफ्ट हो जाऊँ आराम से। ना कोई कहने के लिए रहेगा, ना कोई बोलने के लिए रहेगा, है ना। लेकिन ऐसा हो नहीं पाता। बच्चे हैं, उनको रेज करना है, उनको बड़ा करना है, उनको शिक्षा देनी है, उनको सिखाना है, एजुकेशन के लिए ध्यान देना है। अकेले तो आप नहीं रह सकते अभी, लेकिन हाँ कभी ना कभी तो मैं ज़रूर, मुझे शांति में रहना होगा। मुझे ऐसा लगता है एक ही सांस में मैंने बहुत सारी चीज़ें बोल दी, अपना घर दिखा दिया। फ्रेंड से भी दिखा देता हूँ आपको, है ना, डाल दूंगा यहाँ पे वेब में और आप देखिएगा। तो यही थी मेरी कहानी कि मम्मी को यहाँ पे कई बार लाते थे, बहुत खुश होती थी मम्मी देख के, है ना। आप बस मुझे आशीर्वाद दीजिए कि मुझे थोड़ा सब्र मिले, मैं यही चाहता हूँ आप सबसे। नमस्ते, राधे राधे।